आपसे जानना चाहूंगा, टीवी सीरियल पे काफी मतलब आपके रखा जाता है, क्लॉजेस रखे जाते हैं, आप कितने मानते हैं? यार मेरे सामने भी क्लॉज रखा जाता है तो आप कितना मानते हैं? जी मैंने एक ही सुना था, बीच में एक पेपर में आया था, एक ही बार ही सुना था, एक ही प्रेगनेंसी क्लॉज डाला हुआ था। आई डोंट नो अभी कितना सही है कितना गलत है, जिसके साथ होता है वही जानता है, बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई डोंट थिंक सो इट शुड बी देयर। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसे हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टेलीविजन के भी होते हैं, वो एक महीने का एग्जिट क्लॉज होता है उसमें, प्रोड्यूसर और चैनल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी एज एक्टर्स। सो जब एग्जिट क्लॉज है तो ये क्लॉज की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। शुड बी एनी क्लॉज यू नो, बट ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम जाके सामने वाले को सरप्राइज दे दे वन फाइन डे आगे कुछ देखे। आई थिंक शुड जस्ट बी देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी बिटवीन पीपल। और गौतम हां जी, एनी शोज इन फर्दर लाइक और इट्स नहीं अभी तक नहीं जी, अभी तो अक्सर टू को ही प्रमोट करेंगे, अच्छी तरह प्रमोट करेंगे, बाकी इस फिल्म के बाद देखते हैं किस्मत कहां लेके जाती है। गौतम अभी आप दोनों से सवाल है जी, एक जमाना था जब फिल्मों और टीवी ये जो मीडियम है काफी अंतर था दोनों के बीच में, काफी दायरा था, अब शायद ऐसा नहीं है। आप लोगों से जानना चाहूंगा कितना दायरा कम हो चुका है दोनों मीडियम में, और एंड व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सिनेमा। दायरा के तो ऐसा है जी, आप ये सवाल अभी इस कॉन्फ्रेंस पे पूछ रहे हैं तो अपने आप उसका आंसर मिल जाता है कि कम हो गया है काफी। हम टीवी से आए हैं और टीवी करते आए थे काफी साल तक, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभिनव ने भी काफी किया, तो हम लोगों ने किया है टेलीविजन काफी, और उसके बाद जब अप्रोच किया गया तो फिल्म के लिए अप्रोच किया गया। सो दायरा डेफिनेटली कम होते जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, सो वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड यू वांट टू से समथिंग? या आई मीन द गैप जो है वो ब्रिज हो चुका है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स देख लीजिए, लॉट ऑफ एक्टर्स आर वर्किंग इन फिल्म्स एंड टेलीविजन इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस। फिर बजट्स भी वैसे बन गए हैं, बहुत महंगे शोज भी आ रहे हैं विच आर कंपेरेबल टू फिल्म्स, एंड इक्विपमेंट सेम यूज हो रही है शूट के लिए, एंड विद द डिजिटल थिंग ग्रोइंग अप वो गैप और कम हो जाएगा। सो आई थिंक इन अदर 10 इयर्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। जरीन आपने कैरियर की शुरुआत बड़े बजट की फिल्म के साथ की और बड़े स्टार्स के साथ की, तो जब आपको कोई एवरेज फिल्म या कोई नए स्टार के साथ अप्रोच किया जाता है तो यू थिंक दैट आपको सोचना पड़ता है उस चीज के लिए या ये बनना शुरू करने के लिए? वेल आई एम एन एक्टर, सो एट द एंड ऑफ द डे माय जॉब इज टू एक्ट। अगर वो फिल्म की जो स्टोरी है वो कोई भी बड़े बजट फिल्म की स्टोरी से ज़्यादा बेटर है, सो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स द स्टोरी दैट मैटर्स टू मी एंड यू नो द स्क्रिप्ट दैट मैटर्स टू मी रादर देन कि कौन कितना बड़ा। आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई मेड माई डेब्यू, आई मीन ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम डेब्यू होता है जो डेब्यू मुझे मिला था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि यू नो अगर सलमान इज अ वेरी बिग स्टार तो जरूरी नहीं है कि मेरी हर फिल्म उनके साथ होगी। ऑफ कोर्स आई नो दैट यू नो ही इज राइट देयर, एंड इफ आई एम डूइंग अदर फिल्म्स आई विल बी हैविंग टू डू इट विद पीपल हु आर नॉट राइट अप देयर, समबडी पीपल अ लिटिल लोअर देन हिम, बट दैट डजंट मेक द फिल्म एनी स्मॉलर, दैट डजंट मेक माई वर्क एनी यू नो एनी लेस। तो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, टू बी हियर टूडे, बिकॉज मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा कभी कोई सपना नहीं था, ड्रीम नहीं था एक्ट्रेस बनने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी अपना शहर अपना सब कुछ छोड़ के बॉम्बे आते हैं जस्ट टू बिकम एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, और वो लोग नहीं बन पाते। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू स्टिल बी सिटिंग हियर एंड डूइंग दिस रादर देन सेइंग व्हाट इज बिग एंड व्हाट इज स्मॉल। सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। अनुज जी सामने आपसे डर लगता है, ठीक है बोलिए। डू यू थिंक विद द शिफ्टिंग ऑफ सीबीएफसी चेयरपर्सन, डू यू थिंक द थिंग्स विल इम्प्रूव एंड डू यू सी फोरसी मोर फ्लेक्सिबिलिटी? यू सी इफ यू सी इट ऑन अ बिगर पिक्चर, हूएवर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज व्हाट इट इज। So whoever becomes the chief of the CBFC will still have to work for the CBFC according to those guidelines. If you don't change our approach towards everything in life, India will never change. If you don't change the approach towards certifying films and just rating them rather than censoring them, no CBFC chief can actually bring in
see change in it. So what we need to do is change the entire system first before you decide whether the person is right or wrong. Will I keep screening for Indian cricket team? They are busy playing in Sri Lanka, and I think after this they're going to be very busy. So, and I'm going to be very busy. Man, I train now like 14 hours a day. So, hopefully, six. I think let them. I mean, enough of free shows. Let them pay that for the ticket and see the game. Thank you. 14 hours a day trains. Yeah. 14 hours a day trains. अरे यार आप दो साल पहले मुझे देखता बोल रहा था अभी अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ भगवान कृपा है कि व्हाट आई लव आई एम गेटिंग इट बैक सो व्हेन ऑब्वियसली दिस मूवी हैपेंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड नाउ अगेन आई ट्राई टू बिल्ड माय बॉडी सो दैट आई थॉट सारे एक्टर्स तगड़े हैं तो अगले मूवी करने तो तगड़ा होना पड़ेगा बट देन नाउ टू गेट बैक टू द क्रिकेट फील्ड यस आई हैव टू आई एम ट्रेनिंग इट डाउन एंड स्टेइंग फिट सो no, I can probably say with all the cameras, I've got the fastest ball in there, so I just want to keep doing it. Yeah. Thank you very much. No, but don't let go of this body. 14 hours you spent, you said, na, right now, training. Achha, a week, thank God, I just got 14 hours a day. I was wondering, 14 hours a day you're training. Haan, Shrishant, aapko is film mein lene ka ek hi matlab tha ki 2019 World Cup ke finals ka bhi free ticket aap mujhe denge. Aapko denge. Hum sabko. Any more questions, guys? Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The actors are here for photo ops and one-on-ones, so they'll be there for you, so don't worry.